बाद यूपी में छिड़ी तूफानी जंग की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में थे तो अखिलेश यादव लखनऊ में, लेकिन दोनों ने कन्नौज को लेकर एक दूसरे पर ऐसा हमला बोला कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई। उत्तर प्रदेश में आप जानते होंगे कई घटनाएं हुई हैं। कन्नौज जहां एक बेटी को फांसी पे लटकना पड़ा, फरक्काबाद में, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जनपद है। इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड, ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा, ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा खिलाया जाता है। यूपी में उपचुनाव से पहले चुनावी तापमान किस कदर गर्मा चुका है, ये बार पलटवार उसका ट्रेलर भर है। तेवर बता रहे हैं कि घमासान अभी तमाम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। बात अब डीएनए तक पहुंच गई है। अराजकता, गुंडागिरी इनके डीएनए का हिस्सा है। प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। रिसर्च इस बात की भी करनी चाहिए कि एक बार सदन में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 46 में 56 एसडीएम हो गए एक ही जाति के, आज तक मुख्यमंत्री सूची नहीं दे पाए हैं। बहस लॉ एंड ऑर्डर से शुरू हुई, डीएनए तक पहुंची और फिर जाति जमात के आरोपों तक चली आई, और यहाँ से होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच का जुबानी संग्राम रोजी रोजगार तक पहुँच गया। दोनों हिसाब की किताब खोलकर बैठ गए। अभी नौकरी की बड़ी जरूरत है। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां रोजगार न दिया हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलता पूर्वक सम्पन्न की। साफ है कि अब हर बीतते दिन के साथ इसी तरह सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच फ्रंट फुट पर आर पार की जंग होने वाली है, क्योंकि आगे उपचुनाव जो है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।